फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। एयर सर्किट ब्रेकर का कहाँ यूज है और इसके मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सर्किट को मेक और ब्रेक ओपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ओपन एयर में किया जाता है, इसलिए हम इसको एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में LT लाइन यानी लो टेंशन लाइन में लगाया जाता है, जहां से वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी प्लांट के अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग मशीनों में लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एयर सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। एयर सर्किट ब्रेकर 800 एम्पियर से लेकर 10,000 एम्पियर तक की रेंज में आता है और ये इसकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम इसको फिट करते हैं। और एयर सर्किट ब्रेकर मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर और दूसरा होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एयर सर्किट ब्रेकर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिनका यूज करके हम एयर सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर में सबसे पहले होते हैं शंट रिलीज, उसके बाद यूज होता है अंडर वोल्टेज, इसके बाद होता है क्लोजिंग रिलीज और इसके अलावा होता है स्प्रिंग चार्जिंग मोटर, जिनका यूज करके हम एयर सर्किट ब्रेकर में प्रोटेक्शन और ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि हम प्रैक्टिकली आपको दिखा देंगे जिनका यूज करके एयर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट किया जाता है। एयर सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन किस प्रकार से किया जाता है उसका हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके भी बताएंगे। अब हम ACB कंपोनेंट में सबसे पहले शंट रिलीज कॉइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शंट रिलीज कॉइल का यूज रिमोट से ACB को ट्रिप करने में यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत से प्रोटेक्शन जिसमें कि ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए भी शंट रिलीज का यूज किया जाता है। इसके अलावा सर्किट में कोई भी एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है तो ट्रिपिंग कॉइल में सप्लाई मिलती है और ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और सप्लाई आइसोलेट हो जाती है। इस प्रकार शंट रिलीज कॉइल वर्क करती है। अगला है अंडर वोल्टेज रिलीज, जिसे UV रिलीज भी कहते हैं। इसमें ब्रेकर को तभी क्लोज कर सकते हैं जबकि UV कॉइल एनर्जाइज हो, नहीं तो ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। अगला होता है क्लोज रिलीज, इसमें ब्रेकर को रिमोट पैनल से क्लोज करने के लिए क्लोज रिलीज कॉइल का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई कमांड दिया जाता है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग क्लियर होनी चाहिए तभी ये वर्क करता है। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग चार्जिंग मोटर के बारे में। ये ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग को चार्ज कर, या ब्रेकर क्लोज हो जाता है तो स्प्रिंग चार्ज मोटर के द्वारा दोबारा रिचार्ज हो जाती है और नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार स्प्रिंग चार्ज मोटर का यूज स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए किया जाता है। अब हम इसके प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि ACB के अंदर और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अब हम ACB को पहले हैंडल के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। इसमें एक हैंडल लगा होता है जिससे हम इसको ACB को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा ये ACB के अंदर जो ये एरिया है फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं जो बस बार से कनेक्ट रहते हैं, जो ACB को बस बार से कनेक्ट है। इससे आगे शटर लगी हुई होती है। अब इसके अलावा इसमें जो कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं जो कि कॉपर की रहती है, इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग हुई लगी हुई होती है जो इसको काफ़ी अच्छा कंडक्टर बनाती है, क्योंकि सिल्वर एक सुपर कंडक्टर का काम करता है। अब इसके बगल में जो दिए हुए हैं ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है जिसमें कि इसमें रिमोट या फिर इसको NONC कनेक्ट, ट्रिपिंग से रिलेटेड बहुत से जो सप्लाई है वो इसी कॉन्टैक्ट से जाती है। ये दोनों साइड लगे रहते हैं जिसके सप्लाई रिले वगैरह या बहुत सी चीज़ों में इसके कनेक्शन लगे रहते हैं। अब ये इसमें आर्क चूट लगी हुई है जो हम इसको निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ये आर्क चूट लगी हुई है, इसका यूज़ जब इसमें कॉन्टैक्ट बनता है या क्लोज होता है तो इसमें आर्क जनरेट होती है और ये आर्क चूट इस स्प्रे के इसके अंदर स्प्रे हो जाती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ
विंग्स टाइप के लगे होते हैं जिसमें ये स्प्रे होते हैं, और इसके अंदर ये फिक्स कॉन्टैक्ट और मूवेबल कॉन्टैक्ट लगा हुआ है जो दिखाया आपको, और इसके अंदर ये मोटर, ये स्प्रिंग लोडिंग के लिए मोटर दी हुई है। और अब एक बार और आप इसको देख लीजिए, इसमें फिक्स और मूवेबल कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पे जो स्प्रिंग दिखाई दे रही है ये स्प्रिंग ही चार्ज की जाती है जो कि मोटर के द्वारा चार्ज होती है। इसके अंदर ये जो दी हुई है ये क्लोज कॉइल है, जो आपने पहले अभी स्लाइड में देखा है ये वही क्लोज कॉइल है जो कि इसको कॉन्टैक्टर को, जो एसीबी सर्किट है उसको क्लोज करने का काम करती है, जो इसमें क्लोजिंग कॉइल दिखाई दे रही है आपको। और अब इसके अलावा मैं आपको इसमें दो कॉइल और दिखाऊंगा जो कि एसीबी के नीचे होती है, ये येलो और ब्लू कलर की जो कॉइल दिख रही है आपको, ये अंडर वोल्टेज कॉइल और सेंट कॉइल लगी हुई होती है, ये दोनों कॉइलें इसके नीचे लगी होती है जो कि अंडर वोल्टेज और ट्रिपिंग कॉइल, या सेंट कॉइल या ट्रिपिंग कॉइल, और दूसरी अंडर वोल्टेज कॉइल, ये दोनों यहाँ पे लगी हुई होती हैं। इस प्रकार अब हम इसको आर्क ट्यूट को दोबारा उस पर कनेक्ट कर देंगे, रख देंगे, और इस प्रकार आपने प्रैक्टिकली देख लिया फील्ड में जाके कि ये एसीबी को के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। और अब हम इसको आगे ऑपरेटिंग दिखा देंगे, इसके ऊपर ट्रिप और क्लोज करने का है। SR18G ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होता है जो पूरा मॉनिटर करता है, और इसके अलावा इसको मैनुअली चार्ज करने के लिए हॉर्न हैंडल है जो कि इसको मैनुअली इसको मूव करके चार्ज कर सकते हैं, और इसको दोबारा इस रॉड के द्वारा अंदर शिफ्ट कर देते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं ये जो रिमोट ट्रिप और क्लोज करने के लिए, अब इस पैनल में भी हम इसको देख लेते हैं। इस पैनल में ये स्विच दिया हुआ है जिससे इसको न्यूट्रल, रिमोट और क्लोज या ट्रिप करने के लिए दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में समझा कि एयर सर्किट ब्रेकर में किस प्रकार से ऑपरेशन और कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, और इसमें कुछ सेटिंग्स हुए हैं जो इसमें SR18 में की जाती हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसी प्रकार दोस्तों मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।